तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो गुड लक ऐप होती है दोस्तों, उसके सारे मॉड्यूल्स में वन यू आई 5.0 के अपडेट आ रहे थे। आज की कैफेज में एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट के साथ नए फीचर को एड ऑन किया गया है। क्या ये नया अपडेट है आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर अपनी गुड लक ऐप के अंदर। गुड लक ऐप के अंदर आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा की कैफेज का। इसमें अगर आपको अपडेट यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पर क्लिक करके गो टू स्टोर में चले जाना है। जैसे ही आप गो टू स्टोर में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया अपडेट आपको अवेलेबल मिल रहा होगा जो कि रिसेंटली ही आया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस अपडेट को 21 नवंबर को लॉन्च किया गया, बट मेरे पास आज ही दिख रहा है। इस अपडेट में आपको 1.0.05.94 वर्जन का नंबर है और इसका साइज है 67 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में मेनली क्या चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर नीचे करके बताऊँ आपको, यहाँ पर दो नए फीचर एड ऑन किए गए। सबसे पहला एड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कीबोर्ड को यहाँ पर एड ऑन किया गया है। साथ में एड इमोजेस किए गए वन यू आई 5.0 में। तो मतलब कि इसमें दो नए फीचर एड ऑन। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट। अपडेट के बाद मैं बताता हूँ कि आपको ये दो नए फीचर कहाँ और कैसे अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको होने देते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो फीचर दिया गया है दोस्तों अपडेट होने के बाद कि ऐड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कीबोर्ड, यहाँ पर केमिस्ट्री कीबोर्ड और मैथमेटिक कीबोर्ड को एड ऑन कर दिया गया है। तो सबसे पहले फीचर के लिए आपको इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ जाना है मैक योर ऑन कीबोर्ड में और आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद नीचे की तरफ देखेंगे सैंपल में तो आपको देखेंगे यहाँ पर एक नया कीबोर्ड मिल रहा होगा, मैथ एंड केमिस्ट्री कीबोर्ड। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा और आपको यहां से उसको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको यहां पर दिखने लग जाएगा और ये रनिंग में आ गया। जैसे कि मैं बाहर आऊंगा और अगर मैं कीबोर्ड को ऑन करूं कहीं भी आके, तो आप देखेंगे वो कीबोर्ड यहां पर ऑन हो चुका है जैसा कि वहां पर दिखेगा। तो मैथमेटिक और केमिस्ट्री का कीबोर्ड आपको यहां पर मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे ये मैथमेटिक और केमिस्ट्री का कीबोर्ड आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहला फीचर यही था। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड फीचर दिया गया था यहाँ पर कि ऐड इमोजेस फॉर वन यू आई 5.0, तो वन यू आई 5.0 के लिए इमोजेस वाला फीचर को भी यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है और वो वन यू आई 5.0 पर ही दिखेगा, अपन को नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे पास वन यू आई 5.0 नहीं है। तो यही नए चेंजेस थे इसके अंदर कीबोर्ड की कैफेज में जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं, या हो सके तो आप मुझे फेसबुक पर भी डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।